तो इस तरह की घंटी रही। चले सभी के वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अभी अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ से करने जा रहे एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि है ट्रेन नंबर 12204 अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस। जी हाँ, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस। ये जर्नी रहेगी अमृतसर से लेकर नई दिल्ली तक की। आज इस ट्रेन का है फर्स्ट LHB रन। पहले ये चलती थी ICF कोच के साथ, अब इसको मिल चुके हैं 3rd AC इकोनॉमी कोचेस। तो आज की जर्नी रहने वाली 3rd AC इकोनॉमी कोच में। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 में हमारी ट्रेन लगी होगी, तो चलिए फिर चलते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन दिखाता हूँ और बाकी ये हमारे भारत की यानी कि इंडिया की और इंडियन रेलवेज की पहली गरीब रथ है, फर्स्ट गरीब रथ ऑफ इंडिया अमृतसर सहरसा गरीब रथ। और गरीब रथ कंसेप्ट निकाला था हमारे लालू प्रसाद जी ने, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। कि गरीब रथ ट्रेन का ये फ़ायदा रहता है कि AC का जो फेयर रहता है ना, और सुपरफास्ट ट्रेन और राजधानी के हिसाब से काफ़ी कम रहता है, तो आम आदमी भी स्लीपर के हिसाब से थोड़े से और पैसे मिलाकर AC में ट्रैवल कर सकता है। तो आज होने जा रही है इसकी फर्स्ट LHB रन की शुरुआत। तो ये जर्नी आपको बताया मैंने अमृतसर से रहेगी नई दिल्ली तक की। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, ट्रेन दिखाता हूँ और करते हैं इस ताबड़तोड़ खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की जर्नी में हम लोग जो डिस्टेंस कवर करेंगे अमृतसर से लेकर नई दिल्ली तक का, वो है 448 यानी कि 448 किलोमीटर्स का। और इस ट्रेन की एक और खास बात है, ये ट्रेन लुधियाना जंक्शन नहीं रुकती है। अभी ये रुकेगी ब्यास, जलंधर सिटी, फगवाड़ा, उसके बाद सीधा रुकेगी ढंडारी कला, फिर उसके बाद अम्बाला कैंट, न्यू दिल्ली। तो लुधियाना को भी स्किप करेंगे, काफ़ी कुछ मिलने वाला है इस जर्नी में देखने को। तो भाई ये रहा 5 नंबर प्लेटफॉर्म और ये लगी हुई अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसमें आज जर्नी होने जा रही है अमृतसर से लेकर नई दिल्ली की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट LHB रन है इस ट्रेन का, 3rd AC इकोनॉमी कोचेस देख सकते हैं। इससे पहले चलती थी ICF कोच के साथ। सो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारी ICF गरीब रथ का कोच है अमृतसर सहरसा। अब आज आपको हम जर्नी दिखाने जा रहे हैं फर्स्ट LHB रन की इसकी। तो पहले इन कोच के साथ चलती थी जो आप देख सकते हैं ICF कोच, बट अब ये नहीं देखने को मिलेंगे आगे जाकर। तो भाई LHB ट्रेन होने वाली है तो डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो ये थे हमारे ICF गरीब रथ के कोच। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे M9 लिखा है, लेकिन साथ में G9 लिखा है, जो इसका ओरिजिनल कोच नंबर है, पेपर पे लिखा हुआ है G9। तो ये जी आज का हमारा कोच G7, जिसमें आज ये जर्नी होने वाली है अमृतसर से लेकर नई दिल्ली तक की। देख सकते हैं G7 कोच है। तो चलिए जल्दी से आपको मैं दिखाता हूँ हमारे कोच का इंटीरियर। चलिए आपको अपने कोच का इंटीरियर दिखाते हैं हमारे गरीब रथ के नए 3rd AC इकोनॉमी कोच का। तो सामने देख सकते हैं डस्टबिन दिया गया है, और एक है ये फायर एक्सटिंग्विशर, और ये सामने है मिरर, और यहाँ पे दिया गया है वॉश मशीन, देख सकते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, पानी आ रहा है। और मिरर देख सकते हैं सही है, फेस दिख रहा है, बाकी थोड़े से दागे क्लीन हो जाएगा। बाकी कोच है अभी, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ हमारे G7 का इंटीरियर, जो कि ये नए 3rd AC इकोनॉमी कोचेस। तो स्लाइडिंग डोर है, यहाँ सामने देख सकते हैं ये आ गई अपर बर्थ, दो अपर, दो मिडल, दो लोअर, जैसा कि होता ही एज ऑलवेज। और यहाँ पे आपको एक फूड टेबल मिल जाएगा, जिस पे आप रख के अपना फूड इन्जॉय कर सकते हैं, मील इन्जॉय कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी वर्क कर सकते हैं। और एक ये दी गई है वाटर बॉटल होल्डर, इसको वैसे ओपन करेंगे, और यहाँ पे भी एक वाटर बॉटल होल्डर दिया है, और यहाँ पे एक दिया आपको रीडिंग लैम्प, और यहाँ दिया एक फोन होल्डर, देख सकते हैं रीडिंग लैम्प वर्किंग है एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे रीडिंग लैम्प, और ये आपको दिया गया है कर्टेन, और यहाँ पे भी बढ़िया से एक मिरर दिया गया है, और यहाँ ऊपर भी एक रीडिंग लैम्प है, AC वेंट है, और इस साइड भी फोन होल्डर दिया हुआ है जो कि बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भी एक वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है, और इधर दिया गया AC वेंट, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है मिडिल सीट के लिए भी। और ये है हमारी साइड लोअर सीट, और ये साइड अपर सीट। पहले ICF गरीब रथ में साइड मिडिल सीट होती थी, बट इसमें साइड लोअर और साइड अपर है, इसमें साइड मिडिल कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत सही है। तो बाकी इंटीरियर इस तरीके से है थोड़ा, देख सकते हैं आप। और सीट का पैटर्न और कलर बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तरह की घंटी रह रहे। ये सामने मेरी सीट है, 23 नंबर सीट है हमारी साइड लोअर, जो कि ट्रेन अभी लगाई है यार, क्योंकि अभी ट्रेन को चलने में है 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे का लगभग टाइम बचा है, क्योंकि 2:20 हो गए, 4 बजे ट्रेन का चलने का टाइम है। तो भी थोड़ी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि यार सामान वगैरह था जो कि ट्रेन से हटाया गया। बाकी ये थोड़ी सीट्स पर आप देख सकते हैं मिट्टी है अभी, बट चलने से पहले मे भी मेरे को जहाँ तक लगता है साफ़ कर देंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि हर सीट पर यही है यार, मिट्टी वगैरह काफ़ी हो रखी है, ये देख सकते हैं आप। तो पहला रहना है गाड़ी का, पहला LHB रहना, तो यार साफ़ सफाई तो होनी चाहिए।
बाकी इंटीरियर तो खूबसूरत है यार, 36 इकोनॉमी अंदर से काफ़ी बढ़िया लगता है। अभी मैंने आपको दिखाया अपने G7 कोच का इंटीरियर जिसमें मेरी जर्नी होने वाली है, बाकी चलता हूँ मैं भी G9 कोच में जिसमें और भी रियल फैंस हैं, हमारे भाई लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बट सीट्स अलग अलग है, मैंने बाद में बुक की थी। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ सबसे अभी उनके कोच का भी इंटीरियर दिखाते हैं कि सीट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, जहाँ तक मैंने आते हुए देखा था, देखते हैं अगर चेंज हुआ तो आपको दिखाते हैं, और बाकी मिलवाते हैं जो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। G9 कोच है उनका, तो ये है G9 कोच। सीट पैटर्न तो यहाँ भी सेम है, ये देख सकते हैं आप सीट्स में, यहाँ भी जैसा आपको बताया डस्ट है, साफ सफाई हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी देख सकते हैं ये भी सारे हमारे भाई बंधु, तो भाई ये सामने बैठे हमारे अंकित भाई। हेलो पीस ब्रदर्स। तो भाई कैसे एक्साइटमेंट आपको इस सफर को लेकर? देख लो नया रेक है, जमीन साफ है, शीशे गंदे, यही चीज मैंने बताई है यार, पेट्रोल सारा यूज्ड है इसका, और यही मेरे कोच में भी G7 में देखा पूरी डस्ट है सारी सीट्स पे, जैसे यहाँ पे आया है सेम वैसा ही वहाँ पे बैठा है, सारा का सारा यूज्ड है ये क्लीन पेट्रोल, और फर्स्ट रन के हिसाब से बहुत बेकार है यार, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फर्स्ट रन तो छोड़ो, बट अपेरेंटली किसी भी रन के हिसाब से ये ओरिजिन और क्या कहते हैं ओरिजिनेट हो रही है गाड़ी यहाँ से, तो ऐसा तो हाल नहीं होना चाहिए। ब्लैंकेट तो चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही बात, इतना तो मतलब डिजर्व करता है बंदा अगर पे कर रहा है, if he is paying full fare he at least deserves this, kam se kam cleanliness pe to dhyan dena chahiye, pura mere se wagar seat pura sab kuch ganda ho raha hai, dekh sakte hain coach naya hai to uske liye compensate kar raha hai, but apparently bhai they should provide clean bed sheets, at least clean bed sheets, very well said bhai, sahi keh rahe hain। Ab ye hamare ankush bhai ji jo ki thak rahe hain pure acche se, bhai maine bhai intro liya, interior dikhaya main apne apne vlog ke liye, ab chale hum tay ho नींद मार में सीधा ट्रेन के डिपार्चर के टाइम सबसे मिलवाएंगे, मुलाकात आपका बताओ कैसा रहा मतलब अंदर का देखने के बाद हाल। भाई वैसे तो गाड़ी बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा गंदा देखकर ना कि सीट्स में मिट्टी है डस्ट है ये चीज नहीं अच्छी लगी, फर्स्ट इंप्रेशन ही रहता है, बट मजा नहीं आया ये सब देखकर, थोड़ी साफ सफाई होती है मेन इम्पोर्टेंस, यार साफ सफाई है जैसे अंकित भाई ने बताया कि मैंने देखा लेलन वगैरह, ये तो मैंने चेक भी नहीं किया था, ये भी नहीं पता था यूज है यार, किसी एंगल से लग रहा है आपको कि ये धुला हुआ है, यूज लेने ना सारा का सारा। हां सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये बस तेल लगा के इन्होंने वापसी से पैक कर दिया, एसी तगड़ा चल रहा है, ये तो भाई बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज है। बाकी हमारे अक्षय भाई है, इनसे कुछ बातें, कैसे भाई? बस बढ़िया, आप बताओ? बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ना जब स्टार्टिंग में शूट करके आया था ना, दो कोच पीछे उसका तो साफ था सीट वीट, नीचे ही गंदा था, लेकिन ये तो भाई इतना गंदा सीट मैंने साफ की है आके पहले पूरा कागज से, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये किसी एंगल से आप बता सकते हो, ये भी कोच 2004 अभी 24 में बना हुआ है, देखो लग ही नहीं रहा बिल्कुल, आप यही देखो ना, ये फ्रेश क्या कहते हैं फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री से निकला कोच है, और ये हालत है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बल्कि ठीक है इम्प्रूवमेंट आई है, बट इसको क्लीन करना जरूरी है, और मेरे को लगता है क्वांटिटी भाई ने भी बात ये बोली बहुत सही लगा मुझे, क्वांटिटी पे ही वर्क करे, क्वालिटी देखी नहीं, देखो ना ये किसी भी एंगल से किसी भी जो भी ना छोड़ दिया हड़बड़ी में बनाया भाई, ना भाई बिल्कुल भी नहीं यार, तो डिसअपॉइंटमेंट है एकदम, ये दिल्ली मुंबई वाला जो मैंने गरीब रथ की थी ना, वो तो चलो गेट ही टूटे हुए थे, अब 20 का पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पीस के टूट जाएंगे बस एक चीज अच्छी लग रही है कि कूलिंग अच्छी है, बिल्कुल कूलिंग अच्छी है भाई, ये भाई बेचारे वातावरण में कूल है वीडियो में यार, रायबरेली को इस चीज के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, ये कूलिंग अच्छी है, और हमारा अभिनव भाई को अंटार्कटिका का DSLR लेके फोटो शूट चल रहा है, भाई कुछ बताओ भाई, मैं तो टूट गया ये कोच देख के, टूट गया मैं तो, सबका ये हाल है, मेरा तो हो गया जीवन से, अब मैं जा रहा हूँ भाई संन्यास लेने, ICF दे दो मुझे कोई, भाई क्या करें सारे रियल फैन से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी यार नहीं आया मजा, क्या करें, साफ सफाई फर्स्ट ट्रेन और जैसे रन तो चलो कोई भी हो डेली ट्रेन चलती है, बट साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन बट इनिशियली जैसे आज फर्स्ट डे आया फैक्ट्री से, दिल मार के मैंने अपनी बेडशीट बिछाई, वो भी एक थोड़ी सी साफ दिखी, ये इतनी गंदी बेडशीट है ना मैंने साइड में रख दी, भाई क्या कर रहे हैं बेडशीट भी यूज दे रहे हैं, बताओ यार, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए यार, नई नई गाड़ी चला रहे हो तो ये चीज़ें मतलब वैसे भी डेली बेसिस पे आपको अच्छी प्रोवाइड करानी चाहिए, बट फर्स्ट टाइम पे तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। भाई अभी अक्षय भाई और अंकित भाई का फीडबैक कुछ हुआ है, यहाँ पे सामने अवनीश है, अवनीश से पूछते हैं, अभी अवनीश भाई क्या हाल चाल है आपके? भाई देखो हाल चाल तो भैया बहुत बढ़िया है, लेकिन दिल खुश हो गया यार इस गाड़ी को देखकर, एक रीज़न बताऊँगा क्यों,
सबसे ज्यादा परेशानी होती थी हमारी मिडल सीट को लेकर। अभी आप यहाँ पर देखो साइड मिडल सीट, जैसे मैंने भी बताया था, अगर मिडल सीट हमारी खुल रही होगी ना, जो कि करीबन इधर तक आती है, इसमें जो पर्सन बैठेगा सबसे ज्यादा उसके लिए कष्टदायी होता है भाई। ना तो अच्छे से सो पाता, ना वो अच्छे से बैठ पाता। तो मेरे को एक ही पॉइंट अच्छा लगा, बाकी दूसरी चीज मैं बताऊंगा। देखो एसी वेंट, हर सीट पे हर आदमी के सामने आपको जो ए सी वेंट मिल जाएगी। मतलब अभी हमारी लोअर सीट है तो लोअर में मिल जाएगी, अपर सीट है आपको ऊपर मिल जाएगी। यही चीज दोनों पॉइंट्स मैंने भी बताया। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो कि इसमें सुधारी गई हैं, तो अच्छा लगा मेरे को इंटीरियर देखकर। बाकी कुछ नेगेटिव है जो कि आपको आगे चलकर जो है वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी साफ सफाई का बताया तो इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। ये गाड़ी तो भाई समझ सकते हो आप ऐसा साइड का कहता है, बट कोई बात नहीं। देखो हम तो चाहेंगे इम्प्रूवमेंट हो, बाकी डेवलपमेंट है यार, नए कोच मिल रहे हैं, डेवलपमेंट रेलवे कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है यार। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, फोन होल्डर है और रीडिंग लैंप दे रखा है। बाकी तो सेम इंटीरियर है दोनों कोचेस का। जब तो आपको इंटीरियर दिखाया था, डस्ट दिखाई थी कि ट्रेन गंदी हो रखी है, साफ नहीं की गई, बट ये चीज देखिए, ये कोच के एसी से पानी टपक रहा है इतना ज्यादा यार। ये देखो क्या हाल हो रहा है यार, फर्स्ट वन पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यार। ये देख सकते हैं 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की, जो आपको दिखाया कि अंदर जो पानी बह रहा था, ये देखो अभी पानी पानी हो रखा है, तो पानी एसी का पानी बह रहा है, कह रही है फिर से दिखाते हैं। और ये देखिए, तो ये अभी नया नया कोच है 2024 का, ऐसा ही हो रहा था यार इसमें। बट कोई नहीं, क्या कर सकते, ट्रैवल तो करना ही है। चलता हूँ मैं अपने कोच में फिर से, फिर डिपार्चर के वक्त पे आपको दिखाएंगे यहाँ से डिपार्चर। सो गाइस, ट्रेन के डिपार्चर में अभी 2 मिनट बचे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लेना अपनी बेडशीट वगैरह बिछा दी है, देख सकते हैं, तो बेड प्रिपेयर कर लिया मैंने अपना। बाकी 2 मिनट में आपको डिपार्चर दिखाएंगे। बाकी यार पिलो कवर भी नहीं है यहाँ पे, पिलो जो दिया गया है पिलो कवर भी नहीं दिया गया साथ में, वो भी जो सीट्स हैं जितने पिलो रखे हैं किसी में भी पिलो कवर नहीं है, और ना लिनन में जो उसका पैकेज है उसमें भी नहीं है पिलो कवर, तो होना चाहिए। बाकी साफ़ सफाई का जैसा आपको बताया वैसा ही है। बाकी बेडशीट तो चलो ठीक है, वहाँ दिखाई थी जो अक्षय भाई को सीट पर मिली थी लिनन, कितनी गंदी बेडशीट थी यार। बाकी कोई नहीं, हमने सीट प्रिपेयर कर लिए। चलो मैं आपको सीधे दिखाता हूँ ट्रेन का डिपार्चर। 1 मिनट बचा है ट्रेन के डिपार्चर में। बाकी बोलने में थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो रखा है, तो उस वजह से थोड़ा बोलने में आप देख रहे हो मैं थोड़ा अटक रहा हूँ या हिचके जा रहा हूँ, तो उसको प्लीज़ मैनेज करना। बट तबीयत ठीक नहीं, क्या करें, लेकिन कॉन्टेंट बनाना एक्सक्लूसिव करना का आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना और बताना जर्नी कैसी लगी, क्योंकि जर्नी में बने रहिएगा, बहुत कुछ देखने वाले हैं इस जर्नी में। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर हमारा, क्योंकि ट्रेन के चलने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। तो गाइस बिल्कुल राइट टाइम, 4 बजे, शार्प 4 बजे हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है अमृतसर जंक्शन से। इस टाइम देख सकते हैं शार्प पूरे 4 बजे ट्रेन चल चुकी है हमारी अमृतसर जंक्शन से। तो आप लोग देखिए सामने आपका डिपार्चर अमृतसर से। बाकी लोकोमोटिव भी काफ़ी आगे की साइड है, आपको न्यू दिल्ली में दिखाऊंगा इसका लोकोमोटिव कौन सा है। तो ये है अमृतसर स्टेशन का बोर्ड। और ये सामने खड़ी है मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। पश्चिम एक्सप्रेस है मुंबई से अमृतसर, पश्चिम एक्सप्रेस। सामने एक WP7 जा रहा है। इस दिल्ली तक का पूरा रिव्यू बताएंगे आपको, शिमला कैसा सफर रहने वाला है। बाकी आने वाले टाइम में आगे जाकर नवंबर में इस ट्रेन की आपको जर्नी देखने को मिलेगी, वो आपको जब जर्नी आएगी तभी पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा हूँ मैं। बट हाँ, थोड़ी लंबी जर्नी रहेगी, अभी तो जैसे हम इच्छा से दिल्ली तक की जर्नी है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, नवंबर में इसकी जर्नी आने वाली है।
हमारा अमृतसर शहर। और अब हमारा पहला होल्ड जो आएगा आगे जाकर वो आएगा आपका ब्यास जंक्शन, ब्यास रेलवे स्टेशन, और ये रहा वेब 7 37371। अमृतसर जंक्शन से हमने ब्यास जंक्शन तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 42 किलोमीटर का, यानी कि 42 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो इसी के साथ सिग्नल क्लियर हो गया और डिपार्चर स्टार्ट होने लगा है हमारा ब्यास से। तो इसी के साथ 2 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा ब्यास से। ट्रेन यहाँ पर 6 मिनट की देरी से आई थी। प्लेटफॉर्म नंबर दो से हमारा डिपार्चर हो रहा है ब्यास से। ब्यास रिवर ब्रिज, ब्यास नदी का पुल, रात के समय ब्यास नदी को नहीं दिखा पाए बट ब्यास का ब्रिज आपको दिखाया मैंने, रेल ब्रिज। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं जलंधर सिटी और ये खड़ी है जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। टाटा नगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। अभी डिपार्चर आपको दिखा दूंगा मैं प्लेटफॉर्म साइड से, अभी आप ट्रेन देख लीजिए। और यहाँ पर 5 मिनट का होल्ट है हमारी ट्रेन का। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 4 मिनट बिफोर, 5:05 पे पहुँचने का टाइम है, 5:01 पे हम लोग पहुँच गए हैं जलंधर सिटी। और अमृतसर से यहाँ तक हमने 78 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो 5:10 पे चलने का टाइम है, यानी कि ट्रेन अभी यहाँ पे 9 मिनट के करीब रुकेगी। अभी तो खैर रुकते रुकते 1 मिनट और हो जाएगा, तो 7-8 मिनट ट्रेन रुकेगी अभी यहाँ पर। वैसे ऑफिशियल होल्ड है इसका 5 मिनट का। तो ये है जी टाटा नगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। अब डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म साइड से, ये देख सकते हैं ट्रेन का बोर्ड। तो गाइस बिल्कुल राइट टाइम पे हमारा डिपार्चर हमको गया 5:10 पे। ठीक है भाजी, ओके हो गया अंकुश, सी यू। ओके भाजी, ओके भाजी। तो दोस्तों ये भाई बारिश इतनी बहुत खतरनाक वाली हो रही है ना। जलंधर से नवा शहर, जलंधर नवा शहर पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 5।
मैं जब ये जलंधर सिटी का आप डिपार्चर देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्किप करेंगे जलंधर कैंट को, तो वो स्किप देखने वाला होगा यार। जम्मू रूट की ट्रेन रुकती हैं जलंधर कैंट पे और अमृतसर रूट की ट्रेन रुकती हैं जलंधर सिटी पे, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है अपने आप में। जलंधर सिटी से हमारा डिपार्चर, तो गाइस अब थोड़ी देर में हम स्किप करने जा रहे हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। तो आपको ये पानी की ड्रॉप्स दिख रही होंगी डोर पे और या तो स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो ये बारिश नहीं हो रही है ट्रेन के ऊपर से ही, जो आपको दिखाया था ना कि आगे वाले कोच में उसमें ट्रेन के ऊपर से थोड़ा एसी का पानी निकल रहा है, तो वो है, बारिश नहीं हो रही है अभी। बाकी चलिए अभी आपको दिखाते हैं जलंधर कैंट का स्कैन, और जलंधर कैंट पे हमें मिलेगी आप काठगोदाम जम्मू तभी गरीब रथ एक्सप्रेस। तो इसलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म की साइड से स्किप नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे वो ट्रेन दिखानी थी तो इसलिए मैं आपको इस साइड से स्किप दिखा रहा हूँ। सो गाइस सामने आपको लोकोमोटिव की लाइट दिख रही है, अभी हेडलाइट ऑफ है, बाकी वाइट LED लाइट दिख रही है। वैब 7 है जहाँ तक मेरे को लगता है, खरीदी है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस काठगोदाम जम्मू तभी। अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं जलंधर कैंट, और जलंधर कैंट जंक्शन है, तो जंक्शन बोर्ड इसलिए कहता है कि यहाँ से एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं अमृतसर की ओर चली जाती है जलंधर सिटी होके, और एक लाइन चली जाती है जम्मू तभी की तरफ। बताते बताते रह गए, अभी तक मेरे को पहले इतना बोलने ही लगा था उतने में रह गया, क्योंकि अपने यहाँ से होशियारपुर की भी लाइन अलग होती है। मैंने पहले आपको ट्रेन स्किप दिखा था, उसके बाद मैं बताने वाला, बट मैंने चलिए आपको बता देते हैं, तीन लाइनें अलग होती हैं यहाँ से, होशियारपुर जम्मू तभी और ये जलंधर सिटी वाली। ये भी हमारी काठगोदाम जम्मू तभी करीब है। अभी ये कब LHB हो गई भाई साहब, इसने प्राइस दे दिया LHB हो गई, हमें पता ही नहीं है। उसको भी जल्दी में LHB कर दिया होगा भाई, कोई अपडेट ही नहीं आया इसके बारे में। मतलब जो जो मैंने गरीब रथ सोची थी ICF करूँगा, वो LHB होती जा रही है भाई। मैंने चेन्नई गरीब रथ करने कब से सोचा था, एंड टू एंड करनी है, बट वो LHB हो गई। उसकी जर्नी हमने आगरा के इंटर डाली थी गैप LHB रन की, चैनल पे आपको मिल जाएगी, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके अंदर को ये जरूर से करनी थी यार काठगोदाम जम्मू तभी गरीब रथ, बट ये भी LHB हो चुकी है। स्लोली स्लोली स्किप किया हमने जलंधर कैंट को, क्योंकि कॉशन ऑर्डर लगा हुआ है, स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है हमारी 30 km/h पे, तो उससे स्लो ही ट्रेन जा रही है यहाँ से। वैसे तो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है ट्रेनें यहाँ से। तो ये थी हमारी काठगोदाम जम्मू तभी गरीब रथ एक्सप्रेस, और हम लोग स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JRC। तो गाइस वैसे तो मैं आपको पहले ही बता देता, अगर तीन लाइन जो आपको बताई, मैंने होशियारपुर का जान के नहीं बोला, अंकुश मेरे साथ खड़ा था, उसका रिएक्शन देखना था, इसलिए मैंने दो लाइंस बताई, सिर्फ जम्मू की और जलंधर सिटी अमृतसर वाली। मैंने रिएक्शन देखना था, क्या रिएक्ट करेगा अंकुश, आप जानते हो होशियारपुर से, तो मैं जानबूझ के बोला, मैंने कहा चलो देखते उसका रिएक्शन क्या आएगा। उसका रिएक्शन चेंज आया था कि मैंने तीसरी लाइन नहीं बताई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वैसे भी सामने से आने वाली है ट्रेन नंबर 11077 JLM एक्सप्रेस, जो कि अपने टाइम से 1 घंटा 25 मिनट की देरी में चल रही है।
आइए देखते हैं जेलम की तरफ से। अभी आने वाली ट्रेन नंबर 12355 अर्चना एक्सप्रेस, रेलवे के टाइम से 25 मिनट की देरी से चल रही है। अभी अर्चना एक्सप्रेस के बाद आपको मैं दिखाऊंगा बेगमपुर एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से जम्मू के बीच चलती है, बेगमपुर एक्सप्रेस। अभी आप लोग देखिए अर्चना एक्सप्रेस की तरफ से। ट्रेन में बाकी जैसा आपको मैंने कहा दिल्ली में आपको जो से दिखाऊंगा लोकोमोटिव, बाकी अभी आप देख सकते हैं कर्व पे ट्रेन मुड़ गई और वाईफाई लगाया हमारी ट्रेन में आगे। तो हम लोग लुधियाना जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, पिछले स्पीड स्लो कर दिए क्योंकि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेशन है लुधियाना जंक्शन, तो धीरे धीरे स्किप करती हैं जो भी ट्रेनें लुधियाना को स्किप करती हैं। बाकी सामने से G9 के साथ भी कोई ट्रेन आ रही है, WAG9 के साथ, देखते कौन सी ट्रेन है।
बेगमपुर एक्सप्रेस वैसे ये जा रही है बेगमपुर एक्सप्रेस वाराणसी जम्मू तभी। और इस गाड़ी को पहली बार वैग 9 के साथ देख रहा हूँ, वरना इसमें वैब 7 लगता है। जब भी देखा है वैब 7 या वैब 4 से फिर भी देखिए, और वैग 9 फर्स्ट टाइम देखा है मैंने बेगमपुरा के साथ यार। एक ट्रेन है जहाँ तक मुझे पता, ये है हमारी आगरा कैंड होशियारपुर एक्सप्रेस। बाकी अभी आगे पहुँचते तो दिखाता हूँ कौन सी ट्रेन। जैसा कि मैंने कहा था आगरा कैंड होशियारपुर एक्सप्रेस। तो ये सामने खड़ी है हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस और हम लोग धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन। अभी यहाँ पे सिग्नल क्लियर नहीं है, ट्रेन को रोक रहे हैं। सुबह से सामने से कर्व लेते हुए भी कोई ट्रेन आ रही है, देखते कौन सी ट्रेन ये अरेवल दे रही है अभी लुधियाना जंक्शन पे। होशियारपुर एक्सप्रेस के पीछे पीछे 7 के साथ एक ट्रेन आई है। कैप्टन तुषार महाजन MCTM उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इसी के साथ हम लोगों ने धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन। ये है सूबेदारगंज उधमपुर एक्सप्रेस। उधमपुर स्टेशन का नाम चेंज हो चुका है, नाम हो गए मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन यानी कि शहीद कप्तान तुषार महाजन। स्किप कर दिया है हमारा लुधियाना जंक्शन। लुधियाना जो भी ट्रेन स्किप करती है ऐसे स्लो स्किप लेते हैं। सुबह
के सामने से जो ट्रेन आ रही है, ये है 14629 सतलुज एक्सप्रेस, जो कि चंडीगढ़ से फिरोजपुर के बीच में चलती है। और आज ये कैंसिल है चंडीगढ़ से लेके सासनगर मोहाली के बीच, तो आज ये सासनगर मोहाली से बनकर चली है और फिरोजपुर की तरफ जा रही है सतलुज एक्सप्रेस 14629। डंडारी कला रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस ट्रेन का लुधियाना पे होल्ड नहीं है तो उसको डंडारी कला पे होल्ड दिया गया है, जहाँ पे हमारी ट्रेन 10 मिनट रुकेगी। ये कैमरा लेंस पे अभी थोड़ा पानी की बूंदे आ गई थी, इसलिए मैंने उसको वीडियो को हल्का सा रोका, जो आपने देखे ट्रेन की क्रॉसिंग, तो मैंने उसको साफ किया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। तो ये थी हमारी सतलुज एक्सप्रेस, ये हमारा अराइवल हो गया है डंडारी कला रेलवे स्टेशन पर। गेट पे लोग खड़े हुए हैं, जिसके अराइवल में आपको साइड से दिखा रहा हूँ, डिपार्चर आपको दिखाएंगे अभी प्लेटफॉर्म साइड से। भंडारी कला पे हमारा स्वागत हुआ है बारिश के साथ, धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। चलिए यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, मैं मिलता हूँ सीधा यहाँ से डिपार्चर पे। स्टेशन कोड है DDL। सो गाइस, एक ये WAP5 वैसे ट्रेन आ रही है, देखते कौन सी ट्रेन है। ICF ब्रेक्स है, WAP5 के साथ आ रही है। पैसेंजर गाड़ियों में ज़्यादा WAP5 देखा यार मैंने, बेगमपुर जैसी गाड़ी को बताओ यार, वैगन एन पूछ रहे हो या पैसेंजर में WAP5 जा रहा है। फिर अपने दिल्ली साइड भी बहुत पैसेंजर चलती है, रेवाड़ी वाली, उनमें भी WAP5 जाता है। स्किप लिया इसने भी भाई भंडारी कला से। तो 10 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा डंडारी कला रेलवे स्टेशन से। मौसम बढ़िया हो रहा है यार, बारिश वाला। हम कल अमृतसर पहुँचे थे, पूरे टाइम इतनी गर्मी थी ना, आज जाके बारिश वाला मौसम यहाँ पे देखा है, बढ़िया लगा। फिर से कैमरा लेंस पे पानी आ गया, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। ये देखिए आपके सामने है डंडारी कला का डिपार्चर। बारिश के मौसम में ट्रेन जर्नी का अलग ही मज़ा आता है। ये भी बहुत ही पावरफुल लोकोमोटिव है यार, वोमो सेट का है। WAG9H, ऐसे भी WAG9H ही होते हैं, और HC का मतलब होता है हाई कैपेसिटी। फ्लड आया था तो उसका ट्रेनें लेट हो गई थी, तो पूजा
जो अभी तभी लेट चल रही है, एक मिनट लेट चल रहा है और एक मिनट टाइम पे चल रहा है, और ये हमने स्किप किया है चावा पे। मंदिर भाई ने बताया था कि सवेरे के आसपास लेट गई है। जैसा आपको मैंने बताया फुलेरा साइड फ्लड आया था कुछ दिन पहले, इस वजह से ट्रेन लेट थी। बाकी पूरी 130 की रफ्तार में गई थी। क्रॉसिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अभी तक जर्नी कैसी लग रही प्लीज़ ये भी बताना। अभी मैं नींद में हूँ बट फिर भी ब्लॉग बना रहा हूँ। आप जानते हैं अगर आप पुराने वेयर से ट्रेन में मैं नहीं सोता हूँ, फिर भी रात भर नहीं सोता हूँ। तो अभी तो फिलहाल हम जैसे अमृतसर कल पहुँचे थे हम लोग, इसकी गरीब रथ का एक्सक्लूसिव फर्स्ट रन कवर करने आए थे LHV आप लोगों के लिए। पूरे हम लोग सोए नहीं क्योंकि सुबह की हमने पठानकोट एक्सप्रेस पकड़ी थी दिल्ली से, तो मैं रात को 2:30 बजे करीब सोया था, 2:30 बजे और 5 बजे का अलार्म लगा। तो सुबह 5 बजे का उठा हुआ मैं कल का। फिर पूरे दिन हमने ट्रैवल किया, दरबार साहिब जी गए थे दर्शन किए गोल्डन टेम्पल में, उसके बाद हम लोग स्टेशन पर ही आ गए। मतलब सोए नहीं है बिल्कुल भी, और मेहनत चल रही है आप लोगों के दबा के। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक करना है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या अच्छा लगा, और कुछ चीज़ आपको लगती है कि कोई कमी पेशी है तो वो भी बताना जिसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब आपको जर्नी में आगे मिलता हूँ। हमारा नेक्स्ट हॉल्ट सीधा आएगा अम्बाला कैंट। सो गाइस अमृतसर से चले हुए काफ़ी देर हो चुकी है हमें, तो अगर मैं आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखाता हूँ कि यार कैसी है। फर्स्ट रन के हिसाब से हमारी वॉशरूम की कंडीशन, वेस्टर्न साइड टॉयलेट है तो ये वेस्टर्न साइड टॉयलेट है। चलिए देखते हैं कैसी कंडीशन है भाई, क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट अम्बाला पहुँचने वाली है एक घंटे बाद, तो आप बताते हैं कैसी कंडीशन चल रही है इस टाइम। तो ये सामने वॉश स्टेशन है आप देख सकते हैं, देखते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है तो पानी को वेस्ट नहीं करते हैं भाई। यहाँ पे सोप होल्डर भी लगे हैं, देखते हैं इसमें लिक्विड हैंड वॉश है नहीं है। नहीं है हैंड वॉश नहीं है भाई, पहला रन है और हैंड वॉश नहीं है, बट पानी आ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मिरर में देखो मिरर साफ है, चेहरा देख सकते हैं सही से, और ऊपर लाइट दी गई है आपको, और स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है इस ट्रेन में आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये चीज़ जरूर से ध्यान रखना प्लीज़, जो भी स्मोक करते ना किया कीजिए ट्रेन में, हेल्थ के लिए भी बेकार है और ट्रेन में करना ही चाहिए, रिस्की भी होता है यार, और पकड़े गए तो तगड़ा फाइन भी होगा। बाकी देख सकते हैं इस तरीके का कुछ बायो टॉयलेट लगा हुआ है, और यहाँ पे फ्रेशनर भी लगा हुआ है फ्रेगरेंस के लिए बायो टॉयलेट। और बाकी जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें प्लीज़ फ्लश जरूर से कीजिए। ये बटन दिया होता है LED इंडिकेटर दे रहा है, इसको हल्का सा टैप करेंगे और फ्लश हो जाएगा। जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें प्लीज़ फ्लश को जरूर से यूज़ करना, ताकि जो आपके पास बंदा टॉयलेट यूज़ करने आएगा वो अच्छे से यूज़ करते हैं, उनको भी साफ टॉयलेट मिले। टॉयलेट की कंडीशन एकदम फर्स्ट क्लास है भाई, पूरा साफ है, विदन पूरा कमोड भी साफ है, मैंने अच्छे देख लिया। टॉयलेट की रेटिंग दे देता हूँ 10/10, ऐसी साफ सफाई भाई इसमें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला गेट रेलवे स्टेशन,
जहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। अभी ट्रेन हमारी बिफोर है, अम्बाला पहुंचने का टाइम है हमारा 8 बजे और अभी 8:07 है। ग्रीन कलर उस वक्त WDP-3A WDG-4 खड़ा है, एल्को है WDG-3 और LDH का एल्को है। और अभी आपको मैंने दिखाई एक पैसेंजर जो जा रही थी कुछ वक्त के साथ, टोस्टर कहते हैं उस लोगों मोटर को, WDP-3 है। अभी हम पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। आपको मैं दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म पर आया हुआ। ये आ गया जी प्लेटफॉर्म हमारे अम्बाला कैंट का, स्टेशन कोड है UMB। सो अमृतसर से लेके यहाँ तक हमने 249 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ट्रेन अपने टाइम से 5 मिनट बिफोर आई है। 10 मिनट का हॉल्ट है तो यानी कि 15 मिनट ट्रेन रुकेगी क्योंकि 5 मिनट बिफोर आई है। 8:10 पे चलेंगे हम लोग यहाँ से। भीड़ बहुत है अम्बाला गेट पे आप देख सकते नई दिल्ली अमन और वंदे भारत भी आने वाली है, उसकी भी क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसका भी 8 बजे आने का टाइम है तो अराइवल दिखाएंगे उसका अगर ठीक है तो, देखता हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलिए अब मैं मिलता हूँ यहाँ से सीधा डिपार्चर पे। तो गाइस ये आ रही है सामने नई दिल्ली अमन दौरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22447। इसका रेक मेरे को लगता है कटरा वाली है वाराणसी वाली को दे दी, अभी पुराना वाला रेक है देख सकते हैं। इसका तो यहाँ पे 2 मिनट का ही होल्ट है बट ये लेट आई है अपने टाइम से, 8 बजे आने का टाइम है और 8:05 पे आई है, 5 मिनट लेट है बाकी 8:07 पे चल देगी यहाँ से।
बंद हो रहा वंदे भारत एक्सप्रेस। दो मिनट बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया है वंदे भारत का। अब अपने एक्सेलरेशन के लिए मानी जाती है भाई ये ट्रेन। उसके 10 मिनट बाद पीछे पीछे आती है कटरा वंदे भारत, बट आज वो नहीं होती है, आज उसका वीकली ऑफ होता है। बाकी डेली होती है, वेडनेसडे के दिन नहीं जाती है वो। अभी कुछ देर में आने वाली है ट्रेन नंबर 12029 नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण जयंती शताब्दी एक्सप्रेस। पहले पहुंचने का टाइम हमारा है और इस ट्रेन की प्रायोरिटी भी ज़्यादा 10 सेकंड क्लियर नहीं है इसमें। ट्रेन यहाँ रुक रही है सोनी बस पर, चल रही स्लो ही हुई थी ट्रेन, लगभग रुकी थी और चल रही है, रुकते ही चल रही है वापस सोनी बस से। बाकी अगर जहाँ भी झेलम का ओवरटेक लगता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। झेलम हमारे आगे वाला स्टॉप जो भी स्किप करने जाएंगे वहाँ नरेला पे खड़ी है झेलम, और हम लोग पहुँचने वाले नरेला बस कुछ ही देर में, तो यहाँ मेरे को लगता है ओवरटेक लग सकता है क्योंकि झेलम अपने टाइम से 28 मिनट की देरी से खड़ी हुई है और हम लोग हैं टाइम से 10 मिनट देखो। तो मेरे हिसाब से यहीं ओवरटेक लग जाना चाहिए नरेला पे। बाकी जैसा भी होता दिखाते हैं आपको, तो पानी की बूंदें यार, बारिश वाला मौसम बहुत होता है यार, ये देख सकते हैं आप बारिश हो रही है यार, लिटरली बारिश हो रही है, फोन पे इतना पानी है। गाइस यहाँ होने जा रहा है ओवरटेक झेलम एक्सप्रेस का, खड़ी हुई झेलम। अब मैं इस साइड से चल जा रहा हूँ कि यार वहाँ पे कैमरा में बार बार पानी पड़ रहा था, तो यहाँ से देखिए ओवरटेक स्क्रीन पे पानी पड़ रहा है लेकिन कैमरा पे नहीं आएगा इसमें। ये भी झेलम बेहतरीन ओवरटेक था यार, नरेला पे खड़ी थी झेलम एक्सप्रेस। देख रहे हैं उसकी शंटिंग कौन है, टीके टोस्टर को शंटिंग के लिए यूज किया जा रहा है यार, बताओ पुष्पक WDP3 है यार। ट्रेन जर्नी करेंगे यार ये टोस्टर के साथ भी ना, आज अम्बाला से भी ट्रेन देखी थी श्री गंगानगर की और जारी होगी वो आपको दिखाई थी मैंने, तो जर्नी लाएंगे एक बार यार ये टोस्टर को। चेकिंग साउंड बहुत अच्छा स्मोक छोड़ता है यार ये भी।
शेविंग है इसकी। नांदेड़ अम्बंदौरा उसकी भी एक शेविंग होती है, हजरत निजामुद्दीन नांदेड़ एक्सप्रेस में जाओ। अभी ये जा रही है अम्बंदौरा की तरफ। हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि हमारी इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन है। ये ट्रेन तो आगे बढ़ जाएगी सहरसा की ओर, क्योंकि इस ट्रेन तो भी काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, बट हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ रहा है न्यू दिल्ली। स्टेशन कोड है NDLS। टाइम से 6 मिनट देरी के साथ हम यहाँ पहुँच रहे हैं। 10:50 पर पहुँचने का टाइम है और अभी हो रहे हैं 10:56। पीछे सब्ज़ी मंडी और सदर बाज़ार पर रुक दिया था, वहीं पे 6 मिनट लेट हो गए, वरना टाइम पे ही थी कि 10 मिनट भी दूर थी ट्रेन। प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड आ रहा है, अब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रही है ट्रेन हमारी। बारिश हुई है भाई यहाँ दिल्ली में भी, अभी देख सकते सब कुछ इतना गीला, तगड़ी बारिश हुई है। तो ये देखिए आप अराइवल हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। काफ़ी क्राउड है इसमें, यहाँ से चलने के लिए देख सकते हैं, कोई डिमांड है यार इस गरीब व्यक्ति, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं इसमें, क्योंकि अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए गरीब व्यक्ति को माना जाता है, प्रेफर करते हैं लोग। बाकी फेयर मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दूँगा कितना पड़ा था, मे बी 560 या 565 समथिंग पड़ा है, 550 या 560 के बीच है, तो मैं स्क्रीन पर लिखा रहा हूँ जो भी एग्जैक्ट फेयर पड़ा था मुझे अमृतसर से लेकर यहाँ तक का। बाकी भी ट्रेन रुकती है तो मैं आपको लोकोमोटिव भी दिखाऊंगा एक बार, वेब फाइव हमारा। और इस ट्रेन का यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है, और हमने अमृतसर से लेकर यहाँ तक 448 किलोमीटर यानी कि 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अभी ट्रेन यहाँ पे 8 मिनट लेट आई है, अभी 15 मिनट रुकने के बाद चलेगी यहाँ से। चलिए मैं आपको मैं दिखाता हूँ हमारा लोकोमोटिव जो कि है वेब 5, देखते हैं कौन से सेट का है। सो गाइस ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो हमें अमृतसर से यहाँ तक लेकर आया, गाजियाबाद का वेब 5 30111। बारिश देख सकते हो हुई है दिल्ली में, बढ़िया भाई, गाजियाबाद वेब 5 30111 बढ़िया लोगो है। कोर्स थोड़ा पीछे था इसलिए होंगकिंग ज़्यादा नहीं आ पाई, लेकिन भाई साहब बढ़िया रफ्तार में भगा कर लाया ट्रेन को। अब LHB हो गई है तब भी पता नहीं 130 का अभी तक इसको क्यों नहीं दिया लिमिट, बट देखते हैं आगे जाके करते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे कि आपको बताया मैंने नवंबर में इसकी जर्नी भी आएगी,
तो पता चल जाएगा 130 किलोमीटर अगर उसको देंगे तो। ये हमारा लोकोमोटिव गाजियाबाद वेब पाइप। तो भाई मैं आपको कह रहा था ना कि जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई सारी ट्रेनें LHB हो रखी हैं गरीब रथ जिस जिसमें मन था, बट अभी ये भी देखो यूनिफॉर्म में अपने मेंटेन है, ICF है। इससे पहले इसको कवर करने की मैं ट्राई करूंगा क्योंकि ICF गरीब रथ मैंने अभी तक कवर नहीं किया यार, तो इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा इसके LHB होने से पहले। फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन आज की जर्नी के, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। तो गाइस आप लोगों को जर्नी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जर्नी कैसी लगी प्लीज़ बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो में कुछ कमी बेशी लगी हो तो जरूर से बताना, और जो बेस्ट पार्ट लगा हो वो भी बताना। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और आने वाली ताबड़तोड़ खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।